कि माँ उसे मुख्यमंत्री बना दे जो तुम्हें बकस दिया। विश्व चिहारिणी राजनीतिक कैरियर को चमकाए थे और आज भी चमक रहे। 14 वर्षों से लेके चला हूँ क्योंकि मैं हठयोगी हूँ। हाँ, लालू यादव से मैंने 93 में मिला। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई टू में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कैसे ही ब्राह्मण से हम आपको रूबरू करवाते हैं। वो ब्राह्मण जो है तेजस्वी यादव के पूर्व भक्त है, लेकिन अफसोस है कि तेजस्वी यादव से अभी तक मिले नहीं है। लालू यादव से मुलाकात हुई है। वो ब्राह्मण पटना कॉलेज के पास जो मंदिर है दुर्गा जी देवी स्थान का है, ब्रह्मा स्थान का, उनका पुजारी है। हम उन बाबा से भी हम आपसे मिलते हैं। क्या कहते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, चलिए सुनिएगा। खूब दिलचस्प बात बोलते हैं बाबा। मेरा नाम हठयोगी शिवनंदन ब्रह्मपुत्र अरविंद पाठक हुआ। ये आपका नाम पूरा नाम है? यहाँ पूजा करते हैं? यहाँ 30 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा माता से विनय करता हूँ, लाखों हजारों बार करता हूँ कि माँ उसे मुख्यमंत्री बना दे जो तुम्हें बकस दिया। डबल टेकर पुल भी बनाया और तुम्हें बकस दिया। मैंने कहा है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते प्राणातम प्रसिद्धात्म देवी विश्वचिहारिणी त्रिलोकवासिना मंडा लोकानाम वरदा भुआ। हे देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं। तीनों लोकों को पूजनीय परमेश्वरी, तीनों लोकों को वरदान दो जो मैंने अभी तेजस्वी जी के बारे में वचन दिया। खुशी होती है ना? वह खुशी होती है। यंग है, नौजवान है, काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मिले हैं ना? अभी तक के तो भैया मैंने नहीं मिला हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ और सुनना हूँ कि यहीं से उनके पिताजी लालू जी भी राजनीतिक कैरियर को चमकाए थे और आज भी चमक रहे हैं और चमकता रहेंगे। तेजस्वी यादव से मिलिएगा तो पहले क्या बोलिएगा उनको? मैं उनको यही बोलूँगा कि आपका स्वागत है, ब्रह्म स्थान को बचा लिया और डबल टेकर पुल भी बनवा रहे हैं। आपको माई के तरफ से मैं विनती किया हूँ माँ से कि आपको माँ मुख्यमंत्री के ताज पहना दे। नीतीश कुमार है जो? नीतीश कुमार को मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता। नीतीश बाबू और बीजेपी तो मंदिर को ढाइए रहे थे। नीतीश बाबू तो तेजस्वी यादव के साथ है अभी ना है? हाँ। उस समय हमारे मंदिर को नक्शा से मिटाया जिस समय वो बीजेपी के साथ थे। अच्छा। नंद किशोर नितिन नवीन ही मंदिर के पुल निगम निर्माण का मंत्री थे। अच्छा। उनको नहीं बुझा रहा था कि बीच रोड में अंग्रेजों के जमाने के पूर्व का भी ये मंदिर है, जबकि भारत स्वतंत्र के पहले का है। 92 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि जो 65 के पूर्व का मंदिर है किसी परिस्थिति में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चलिए, आप बहुत जल्द तेजस्वी यादव से मिलिएगा, ठीक है ना? मिलवा दे तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और वो जब हमसे मिल ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवती से मैं कामना करूँगा कि जल्द वो मुख्यमंत्री के ताजपोशी उन्होंने त्रिशूल लिए हुए, क्या कीजिए? हाँ, मैंने नहीं, त्रिशूल तो मैं आज 14 वर्षों से लेके चला हूँ क्योंकि मैं हठयोगी हूँ। अन्न और नमक का परित्याग किया क्योंकि एक अदृश्य शक्ति के लिए जिसका नाम है शिवनंदन ब्रह्म दोस्त, जब वह दोस्ती किया दिल में लगा कि वह दोस्त है, ब्रह्म है, तो मैंने उसे स्थापना करने का संकल्प किया कि जब तक मैं स्थापना नहीं कर लेता। लालू यादव से मिले थे? हाँ, लालू यादव से मैंने 93 में मिला था। क्या बोले आप? जिस समय मैं MLA फ्लैट हनुमान मंदिर का पुजारी था। हाँ, क्या बोले लालू यादव आपको? लालू यादव को तो पहले हमें मानते थे चूंकि उन्हीं के मंदिर के पुजारी था, MLA फ्लैट हनुमान मंदिर का। मैंने आगे में अशोक कुमार सिंह थे, पुल निगम निर्माण मंत्री थे, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। आज न मैं यहाँ हूँ, 92 में मैं तो वहीं पुजारी था। कहाँ के रहने वाले हैं? पालीगंज थाना जिला पटना, परशुरामपुर गांव का मैं निवासी हूँ। मैंने शिवनंदन ब्रह्मपुत्र दोस्त हठयोगी अरविंद पाठक पुजारी है, और बहुत ही दिलचस्प बात बताए हैं। लालू यादव से एक बार मिल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से इनका ख्वाब ही बन गया है। करें क्या कि हम देखना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब नीतीश की सरकार जब थी उस समय बीजेपी के साथ में, तो मंदिर पर नज़र दौड़ाए हुए थे, इसीलिए बाबा भी खौफ खाए हुए हैं, गुस्से में थे बाबा। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।